व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम पे वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पैसिफिक बैंक में एक बहुत बड़ी चोरी की थी, जिस चोरी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गोल्ड एंड डायमंड चुराए थे। बट इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने वहां से एक पेंटिंग चुराई थी, जिस पेंटिंग की वैल्यू इन सभी से बहुत ज्यादा है। और वो पेंटिंग हमने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चुराई थी, तो उसको हम लोग लेकर आ चुके हैं लिबर्टी सिटी में और अभी हमें उसे पेंटिंग देने जाना है। अब इस पेंटिंग के बदले वो हमें लॉस सैंटोस के कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ कर देगा, यानी हमें बेगुनाह साबित कर देगा और फिर हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे, हमें बार बार पुलिस से छुपना नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हो ना सामने, इस गाड़ी ने सचमुच में यार बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी में गन लगी हुई थी, तो पुलिस जब हमारे पीछे पड़ी थी हमने उन्हें खूब तोड़ा है इस गन से। फ्रैंकलिन ड्राइविंग कर रहा था, मैं गोलियां चला रहा था और साथ ही ये गाड़ी पानी में भी तैर पाती है, तो हम लोग इसे सीधा लॉस सैंटोस से भगाते भगाते पानी में लेकर आ गए थे लिबर्टी। बट यहाँ पर आकर भाई इस गाड़ी ने दम तोड़ दिया, कीचड़ में इसके चारों टायर बुरी तरह धंस गए और 4x4 होने के बाद भी ये गाड़ी भाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शायद हो सकता है इसका फ्यूल खत्म हो गया हो या फिर किसी पार्ट में दिक्कत आ गई हो, क्योंकि जिस तरीके से धुआं निकल रहा है उसे तो लग रहा है गाड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगी। फिलहाल हाँ, अभी वो जो बंदा है ना उसे हमें मिलने के लिए बुलाया, वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना, पता नहीं ये कोई हॉरर हाउस है इस लिबर्टी सिटी का और यहाँ पर अभी कोई रहता नहीं है और इसी जगह पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो चलते हैं। और ये जो बैग आप लोग मेरे पास देख पा रहे हो ना, इस बैग के अंदर ये वो पेंटिंग जो कि मुझे ले जाकर उस बंदे को देनी है। और बाय चांस अगर आज ये बैग किसी वजह से खो जाता है या फिर कोई बंदा इसको मेरे से चुरा लेता है, तो फिर माइकल का वापस लॉस सैंटोस जाना इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात है यार, वो बंदा बिना पेंटिंग के हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला और लॉस सैंटोस में पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। बाकी एक बार आपको इनविटेशन चाहिए था ना टीम, सामने देखो तो ये है वो रेंज रोवर जो कि उस बंदे ने हमारे लिए भेजी है सिर्फ इतनी पास आने के लिए। ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं, मुझे बैग को संभाल के रखना है, माइकल की जान अटकी हुई है भाई इस बैग में और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर लाइफ टाइम लिबर्टी सिटी में ही रहना पड़ेगा माइकल को। खैर ठीक है, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो ये जो बेगुनाह साबित करना है ताकि हम जितना भी पैसा हमने चुराया ना उन सभी से अच्छे से इंजॉय कर पाए। फ्रैंकलिन भी आकर बैठ चुका है गाड़ी में, गाड़ी को घुमा लेता हूँ मैं एकदम आराम से। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं हॉरर हाउस पे। मुझे तो भैया डर ये लग रहा है कि कहीं लॉस सैंटोस वालों ने यार पुलिस को लिबर्टी ना भेज दिया चेकिंग वगैरह करने के लिए, इसलिए रोड पे ना मैं थोड़ा बहुत संभाल के चलूंगा। मतलब अभी तो मेन रोड पे नहीं थे बट ये मेन रोड है और यहाँ पर भाई पतली पतली सड़कें हैं, उस पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक। भैया गाड़ी मत ठोक देना यार, बहुत महंगी गाड़ी है वो भी मेरी नहीं। रुक जाओ आराम से, तू निकाल ले भाई पहले, अब मेरी बारी। चलो भाई, कोई रेड लाइट वगैरह है ही नहीं, समझ ही नहीं आता भाई कैसे कैसे रास्ते हैं भाई, बिल्कुल खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा हुआ भाई, सिंगल लेन रोड है उस पर। अरे अरे भाई भाई आराम से यार, ये अपनी ठीक है न ठोकी तेरी भैंस के टांग, इस बंदे ने अपनी गाड़ी ठोक के शीशा तोड़ दिया है। बट ठीक है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है उस बंदे को, लेकिन पता चल रहा है तो वैसे छोड़ो यार, अभी वो हमारा दोस्त है, उसके लिए इतनी महंगी पेंटिंग चुरा के लाया है, वो गाड़ी के शीशे के लिए थोड़ी रोएगा यार। फटाफट, वाह भाई यहाँ के ड्राइवर भाई बहुत खतरनाक है, बेकार जगह भाई ये गाड़ी चलाने के लिए सही में। बाकी जिस जगह पर उसने मिलने के लिए बुलाया है ना, मुझे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि पेंटिंग लेके वो भी मारे डाले सीधा यहीं पे। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा, थोड़ा मैं सोच समझ के गाड़ी लेकर चलता हूँ, जगह तो एकदम शांत लग रही है। वेट, ये सच में बहुत खतरनाक हॉरर हाउस है और वो यहाँ पर आया हुआ है, वो देखो भाई सामने अपनी रॉल्स रॉयस कलीनन जी वैगन सारे के सारे बॉडी गार्ड्स को लेकर वो यहाँ पर आया हुआ है। गाड़ी खड़ी करते हैं, जल्दी से उतर के इसको पेंटिंग देते हैं और बात कर लेते हैं पूरी की पूरी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने इसको ये पेंटिंग दे दी है और इसने पेंटिंग कन्फर्म करके अपने बॉडी गार्ड को पकड़ा दिया है उसे घर पे भिजवाने के लिए, बाद में आता रहेगा। बट आज के लिए इसने ये रेंज रोवर हमें दे दिया ऐसे घूमने फिरने के लिए, अपने पास वैसे पैसों की कमी नहीं है, हम लोग अभी जाकर अपनी नई नई गाड़ी खरीदेंगे, नया नया शोरूम बनाएंगे और अपना तो प्लान ये भी है कि कोई नया घर भी खरीद लेंगे, आखिर इतने सारे डायमंड्स अपने पास। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं एलेस्ट्रो के सीक्रेट बेस पे। बाकी यार इसकी जो रेंज रोवर है बहुत ज्यादा तगड़ी है यार, मतलब कुछ ज्यादा इसके अंदर पावर है, एक बार ड्रिफ्ट मार के देखते हैं इससे आगे कट है। आराम से भाई, रिस्की कार है यार थोड़ी सी सचमुच में, इसकी नंबर प्लेट पता नहीं कहाँ चलेगी। खैर छोड़ो, पुलिस पुलिस ना रोकने से पहले हम लोग बेस पे पहुँचने थे, चलते आराम से। लेट्स गो, हम लोग इसकी बराबरी तक पहुँच चुके हैं,
भाई फुल रेस है, मन तो कर रहा है कि एक और मैं भी एक ऐसी गाड़ी निकालूं और उसके साथ एक बढ़िया वाली रेस कर लूं, जो कि फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है अपने पास, क्योंकि कोई भी सुपर कार नहीं है। एंड ये एक सेकेंड, ये जहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आया है ये शायद से इसका लग्जरी मेंशन है, और क्या ये अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करता है? यहाँ पर तो इसकी गाड़ी सचमुच में बहुत ज़्यादा अनसेफ है। $10 million की इतनी ज़्यादा महंगी कार, अभी तो ठुक जाता वैसे पुलिस में, बट बच गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि $10 million की इतनी ज़्यादा महंगी कार अगर साइड हो जाता है उसको शक हो जाएगा, वरना कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिलहाल ये गाड़ी यहाँ पर लेकर आ चुका, पीछे जाता हूँ, इसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आकर इस दरवाजे को ओपन करेंगे। बाकी मेरे को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है इसने सिक्योरिटी तो अच्छी खासी लगा रखी होगी यहाँ पर, बट सच बताऊँ तो मुझे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेट्स गो, तो मैं चढ़ता हूँ अपनी रेंज रोवर के ऊपर और चेक करते हैं कि आखिरकार इसके घर में और कौन कौन सी कार्स खड़ी हुई है। फिलहाल ये अपनी फरारी को यहाँ से अंदर लेकर जा चुका है। मेरा पता भी मन क्या कर रहा है कि मैं दीवार आपके इसके घर के अंदर खुश जाऊँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ना CCTV कैमराज लगे हैं और किसी भी कैमरा का वो यहाँ पर नहीं है। इस बॉल के पीछे छुप जाता हूँ और एक बार यहाँ पर चल कर देखता हूँ। इस बंदे ने तो अपनी गाड़ी को बाहर ही ले जाकर खड़ा कर दिया है। पीछे इतना ज़्यादा बड़ा गैराज है, पक्का उसके अंदर भी कोई ना कोई कार होगी। फिलहाल यहाँ पर ये ना अपने सभी बॉडी गार्ड्स वगैरह से बात कर रहा है। भाई सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यार इस टाइम पर ना मेरा सचमुच में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं इसकी ये गाड़ी को ना यहाँ से चुरा कर निकल लूँ। हाँ मतलब ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बेकार आइडिया है, बट अगर हम लोग ये काम चुपचाप से कर लेते हैं, पुलिस वगैरह अगर किसी को भी नहीं पता चलता, तो फिर यार सचमुच में अपने मजे आने वाले। इतनी महंगी कार हमें मिल जाएगी कि पूछ मत, कि चोरी बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ। भाग कर निकलते हैं इस गाड़ी को लेकर लॉस सैंटोस से बाहर। कैमरा तो फोड़ देगा ना, ठीक है, जल्दी से हमें इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मतलब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो कार है हो सकता है यार ये ट्रेस भी हो जाए, तो मैं एकदम चुपचाप से किसी पतले पतले रास्तों से पहाड़ों से होता हुआ मैं इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। अपने शोरूम में मैं इसे लाकर बेचना चाहता हूँ, बट अभी नहीं, कम से कम इसे 15 से 20 दिन तक गाड़ी को मुझे छुपा के रखना होगा लोगों से। हो सकता है यार पुलिस वुलिस भी आ जाए इस गाड़ी को ढूंढने। फिलहाल रास्ता एकदम सुनसान है, हम गाड़ी को लेकर निकल सकते हैं। लेट्स गो, गाड़ी की स्पीड टेस्ट में करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं, गाड़ी को एकदम कम स्पीड में चलाने वाला हूँ, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर जितने भी रोड है ये सारे के सारे काफी गीले हो रखे हैं इस टाइम पर। गाड़ी हल्की से भी, भाई साहब मुझे पता था कि ये जो मद्रास है ये बंदा इतना भी ज्यादा हल्का नहीं है। हम जैसे ही उसके घर से बाहर निकले उसने भाई साहब तुरंत हाई सिक्योरिटी पुलिस कोई भाई गंदी तरह हमारे पीछे पड़वा दिया है। और अभी पता ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है, देखा पुलिस को ये पता चल गया कि ये वाला जो क्राइम है ये भी माइकल ने करा है, तो कोर्ट में जो आज हमें फ्रीडम मिला है ना भाई सीधा फांसी ही होगी मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो चुपचाप से गाड़ी को भगाते हैं, यार गाड़ी पे भी डैमेज नहीं होना चाहिए वरना सचमुच में बहुत नुकसान हो जाएगा। इतनी मेहनत से नहीं, वो तेरी भाई सब गाड़ी तो पहले तेरी आगे से टूट चुकी है, पर ठीक है यार मैं यहाँ से अभी भी निकल सकता हूँ। अरे भाई हर तरफ से पुलिस आ गई है, मुझे ना अभी पतली पतली गलियों से नहीं जाना, आइडिया प्लान सब कुछ चेंज। भाई साहब मुझे ना कुछ भी करके जल्दी से अपनी गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाना होगा, वरना अगर पुलिस सामने से आ गई या फिर इन्होंने यहाँ का कोई रास्ता ब्लॉक कर दिया तो भाई अपना आना जाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर हाईवे पर पहुँचने वाला हूँ, और अब ये जो पुलिस वाले हैं ना ये मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी की स्पीड सचमुच में बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि 400 किलोमीटर पर आवर तक प्यार से पहुँच सकते हैं, बट पुलिस ने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। यार वैसे अगर देखा जाए ना अपनी किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एक तो रात के टाइम है इतनी ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही है कि सामने का कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब गाड़ी हेडलाइट भी तो इन लोगों ने फोड़ डाली, और लो एक टायर बचा था वो भी इन्होंने पंचर कर दिया है, मतलब बाकी तीन टायर अभी ठीक है, बट इस कार का अगर एक भी टायर गया तो फिर भैया आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन हो जाती है। लूडो में पैसे भी जी सकता है सब। ना फिलहाल गाड़ी भगाते भगाते रात से सुबह हो चुकी है, और ना ही ये बारिश रुकी है और ना ही पुलिस वालों ने मेरा पीछा छोड़ा है। भाई मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं छुपूँ तो कहाँ पर जाकर छुपूँ।
पुलिस वालों ने भाई सारे के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं शहर के अंदर एंटर होने के बटवे। आगे एक पुराना खटिया सा विलेज है, मैं चाहूँ तो उसके अंदर जाकर छुप सकता हूँ अगर कोई पुलिस वाला मुझे ना देखे तो। ऐसे भी कोई मेरे पीछे है नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ। मुझे अपनी गाड़ी भी छुपानी होगी क्योंकि अगर ये भी उन लोगों ने देख ली तो वो यहाँ पर किसी भी कीमत पर पहुँच सकते हैं। मैं अपनी कार को एक काम करता हूँ, इस तरफ मैं ले जाकर छुपा देता हूँ। ये जगह इतनी ज़्यादा सेफ तो नहीं है वैसे, बट हाँ यार नॉर्मल जगह से तो फिर भी ठीक ही है। यहीं पर साइड पे मैंने अपनी गाड़ी को लगा दिया है और मैं एक काम करता हूँ, किसी मस्त सी जगह पर चलकर छुप जाता हूँ। हो सकता है पुलिस यहाँ पर कभी भी आ जाए। ये जगह थोड़ी बहुत ठीक है, मेरे को इसके पीछे चलकर ना छुप जाना चाहिए। अरे यार वो आ जाएगी भाई, मैं टाइम भी नहीं है छुपने का। गाइस नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जगह भी बिल्कुल सेफ नहीं, यहाँ पर भी पहुँच जाएगी। और एक तो ना इधर छुपने के लिए भी कोई ढंग की जगह है नहीं। सामने ही देखो उनकी गाड़ी आ चुकी है और कुछ ही देर में वो पूरे को पूरे विलेज में छानबीन करने वाले हैं। बट अगर मैं ऐसी शांति बनाकर रखूँगा तो शायद वो लोग यहाँ से वापस चले जाएँ। बाकी यार एक बार आप लोग ध्यान से देखो कि इस गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। जिस कार के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी वो कार पूरी आगे से टूट चुकी है, उसका बम्पर अलग हो गया है, विंडोज नहीं टूटी है बट साइड विंडो पूरी टूट गई है, दोनों के दोनों टायर पूरे ख़त्म हो चुके हैं गैस के, बैक साइड पे ठोकरे लगने के बाद सब कुछ टूट चुका है। एंड पुलिस शायद से आ रही है। वेट, मुझे छुपना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ पर कवर लेकर देखता हूँ कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। उन्होंने यहाँ पर गेट पर आकर खड़े हो गए हैं बट वो अंदर नहीं आ रहे हैं। वो देखो वहाँ पर एक गाड़ी तो है, बट ठीक है यहीं पर मैं छुपे रहता हूँ और मुझे इस गाड़ी को लेकर ना चुपचाप इस जगह से निकलना ही होगा और जब तक पुलिस नहीं जाती मैं यहीं पर छुपे रहने वाला। तो चलो गाइस यार आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे नहीं तो जाकर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जाके जो भी मुझे क्या करना, इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके एकदम मामला खत्म कर देना चाहिए या फिर चुपचाप से इसे बचा के लॉस एंजेलिस वाली डीलरशिप पे ले जाना चाहिए बेनी से रिपेयर करवाने के लिए। बाकी हाँ यार कमेंट्स कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।